मैं सदर ग्रामीण मेरे बेटे और बेटियों को मुझे बड़ी खुशी है और मेरे लिए बड़ा याद है कि एक बार याद के होने से मैं आपसे मुखातम हूँ। तो जहां तक मैं कोई मेरे दोस्त और मेरा द्वारा जो है मैं समझता हूँ बालक और आई है मैं एक बार याद का तालिब हूँ और उस हवाले से ये ठीक है काफी अच्छा हो से मैं स्टडी कर रहा हूँ और इकबालियात के हवाले से कुछ मेरे अंदर एक अप्रोच या सोच पैदा होती है तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मेरे बेटों बेटियों मसला ये है हम अखबार से पूछे हैं कि ये जो सारा मैसेज है उसने कहाँ से दिया, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि इकबाल के तकरीबन 9000 शेर जो है फारसी के हैं, 7000 उर्दू के हैं, यानी 16000 अशआर है और बाकी किताबें देखिए एक किताब है मास्टर रीकंस्ट्रक्शन रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। मैं समझता हूं कि ये 21वीं सदी पर 21वीं सदी में अगर इस्लाम के ऊपर मुस्तनद हो जाए इस वक्त मेरे पर जो ईसाइयों या यहूदियों को जो खुदा को नहीं मानते और बेशुमार ऐसे उनके डायमेंशन है अगर उसका जवाब है तो उस लेवल तक चल रही है। और मैं खसूसी तौर पर अपने बेटे और बेटियों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चाहे वो किताब जो है वो इंग्लिश में लिखी है उसका तराज जो है वो हिंदुस्तानी है लेकिन वो जरूर पढ़े मजा आएगा आपको आपके अंदर जो है ना इस तरह होगा जिस तरह डाइट है आप लोगों को। तो पहले जब मैंने ये पूछा इकबाल से कि भाई ये आपने कहां से लिया तो वो कहते हैं वो हरे दरियाए सुस्तान कहते हैं मैं ये कुरान जो है एक समुद्र है और ये मैंने उस समुद्र से मोती चुने हैं शराए सुबहतुल्ला गुफ्तगू ये कुरान शरीफ की आयत है कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो कहता है मैंने तो उसकी तफसीर बयान किया बा मुसलमाना हमें बख्शीदा हूं ओ नशा के रा हमें बख्शीदा हूं और आयत कहते हैं कि मन आए पाचुबा गाहे दादा हूं सतबते कोहे पकाहे दादा हूं कि मुझे फितरत ने अल्लाह ताला की तरफ से ये अदा हुआ है कि अगर से मैं तिनका हूं देखो मेरे अंदर पहाड़ बटनी ताकत फिर फरमाते हैं कि धारण अंदर सीना नूरे लाए दा दर्श नाबे पे मसूरे लाए दा कि मेरे सीने के अंदर क्या है ये कुरान एक जोश मारता है और वो कहते हैं इसी की बदौलत फिक्र मन कर तू मसीरत पैदे हूं कि इस लाए दा की बदौलत मेरा फिक्र जो है वो आसमानों से भी ऊपर चला गया। और बेटो आज हमें वो आपसे कितने प्यार मोहब्बत से क्या कहते हैं कहते हो मेरे बेटो बेटियों जवानों में दानिशवर हो शायर हो और दीपो हुक्मरानो असाफा जितने भी हैं कहते हो बात सुनो अगर अपना गिलास नहीं पीना तो एक दो घूट चख लो पश्चिम वीर बाबाए मन जब तो जाम तादरशी मिश्रे देवे बेने आओ कहता इस तरह चमक जाओगे जिस तरह की तलवार तो एक एक ये बाकी कुछ मैंने खुद के लिए है कि मोर देन 1000 ये किताबी बात नहीं कर रहा मैं मेटीरियल बात कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन 1000 से ज्यादा उनकी जो है ना वो मौजूदा पढ़ते हैं लेकिन अब मेरे बेटो बेटियों की बुक है जरबे के लिए सिर्फ फनून ने लिखा सदर साहब और अदबियात में उसकी 43 डायमेंशन है खुद अंदाजा लगा और इतनी बड़ी दौलत आपके लिए मुझे दुख है मैं कहता हूं ये जो एक नस्ल जो जो है मैं खुद पर बात करूंगा किसी को और कोई बात नहीं है। बात यह है कि जैसे ये यूनियनिस्ट पार्टी जो थी ये नंबर एक दुश्मन थी पाकिस्तान की और और जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो बन रहा है ये रातों रात हुक्मरान जमात में शामिल हो गए मुस्लिम लीग
और उन्हें शौरी तौर पर यानी कायदे-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के गिरफ्तार थे उनके रस्ते में ये बहुत बड़ी और जिसकी सजा आज 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए मुझे ये कहते हुए शर्म भी आती है दुख भी आता है कि पाकिस्तान का कोई अमल नहीं है ये अगर खुद मुआयनाबाद का 10 सतरे पढ़ के सुना दे तो बैठो बैठो मैं उसको 5,000 रुपया इनाम मैं बिल्कुल बड़ा खौफ कहता हूं कि यहां पाकिस्तान में जितनी भी
एग्जिस्टिंग अवेलेबल बसरे इकदार है या अपोजिशन है, पीपल पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, नू लीग हो, ए एन पी हो, कोई हो, इनको बड़ा जरूरी है कि ये हमारे आप स्टडी करें। और खसूसी तौर पर जो जो अपने आप को कहता है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर, मैं सियासी वर्कर हूं, वो उस वक्त तक क्वालिफाई हो नहीं सकता जब तक कि वो इकबाल हाकिम को देखे। कितनी भी अजीब कुछ नजर आती है, मेरे बेटे बेटे इकबाल ने तो 1907 में खुतबा अलाहाबाद सदर साहब उन्होंने 1924 में दिया, लेकिन 1907 में हिंदुस्तान में वो जब पुरानी का नजर जब उनका बिल्कुल एक फाइनलाइज हो गया तो वहां से वो सारी चीजें चैलेंज करते हैं। तो मेरा दिल करता है वो चंद इशारा आपको सुनाऊं। फरमाते हैं कि गुजर गया वो दो साथी के छुपके पीते थे पीने वाले, किसको मुखाता पूरे यूरोप को, पूरे उसको जो बातें बोलते। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत का पर्दा दरार जिसका वो राज का शिकार होगा। गुजर गया वो दौर साकी के छुपके पीते थे पीने वाले, बने ने सारा जहां मैं जाना हर कोई बड़ा खार होगा। सुना दिया गोश्त मुंदिर को हिजाज की खामोशी ने आकर, जो अहद सहराइयों से बांधा गया था वो फिर उस द्वार पर। और आगे कहते हैं कि निकल कर सहरा से जिसने रूपा की सल्तनत को उलट दिया गया, सुना है ये कुर्सियों से मैंने, वो शेर फिर उछकार होगा। ये शेर उम्मीद वाला नहीं है, सुना है ये कुर्सियों से मैंने, वो शेर फिर उछकार होगा। वो शेर हो या टाइगर हो, ये नहीं है बात। आपको पता है कि ये शेर जो है ये आदमी वो भी बन जाता है मैन ईटर। और ये हमारे इधर जो गलियार के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि टाइगर जो है ना वो भैंस बकरी कुत्ता गधा सब खा लेते हैं, तो हमारे बॉर्डर ये शेर और टाइगर नहीं है। तो कहते हैं कि किया मेरा तस्करा जो साकी ने बाधा खा रहा हुई अंजे मन में, तो पीर मैं खाना सुन के कहने लगा मुंह फटे खार हो रहा था। ये 1907 का शेर है कि तैयार मगरब के रहने वालों, खुदा की कसम खुदा नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम यार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने कंधे से आप ही दिलकशी करेगी, तो शाह के दादा पे आशिया खाने का आप पाएगा। आज यूरोप में 70% लोगों को नहीं पता कि उनका बाप कौन सा है, ये उनकी तहजीब का आधार है। तो मैंने अब हमारे पास सीधी बात है, मैं वो बात करता हूँ स्वयं पाओ की आपके पास कुछ नहीं है। और ये तो बड़ा अल्लाह ताला का फजल करम हुआ है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो आपकी शहीदियत के विरुद्ध वो बदल गई है। दाखिली तौर पर बहुत जरूरी है और मैं बिलासब कहता हूँ कि मजहब और दीन के नाम से इतनी अंग्रेजों ने हिंदुओं ने मुखालफत नहीं की जितनी खुद मुसलमान जो उस वक्त के फिरका बात की, और जिसके बारे में अल्लामा ने पता क्या कहा, अल्लामा ने कहा कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत नादा ये समझता है। तो ये मेरे नजदीक आज आलमे इस्लाम में और खसूसी तौर पर पाकिस्तान में ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस है, और इसका मेरे बेटों बेटे जवाब से दो, इकबाल की जो वैक्सीन है ये गारंटी है, सर्टिफाइड है, टेस्ट है, बड़े से बड़ा तजुर्बा जो है ये वहां देंगे।